क्रीमी और थिक फ्लेवर्ड मिल्क ही मिल्क शेक कहलाता है। नॉर्मली मिल्क शुगर आइसक्रीम को ब्लेंड करके आसानी से मिल्क शेक बनाया जा सकता है जो कि बहुत थिक और क्रीमी होता है, पर इसे बिना आइसक्रीम के भी बना सकते हैं और बिना आइसक्रीम के भी मिल्क शेक वैसा ही थिक और क्रीमी बनता है। लेकिन उसके लिए एक ट्रिक है और वो ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में। तो चलिए मेरे साथ स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक विदाउट आइसक्रीम बनाने इंडियन जायका में। स्ट्रॉबेरी शेक बनाने के लिए मैं स्ट्रॉबेरी सिरप काम में ले रही हूँ, जिसकी रेसिपी हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप फ्रेश स्ट्रॉबेरीज भी काम में ले सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी अगर फ्रेश काम में लेते हैं तो एक तो उसमें स्ट्रॉबेरी के बीज शेक में आते हैं जो टेस्ट में अच्छे नहीं लगते, दूसरा स्ट्रॉबेरीज थोड़ी सी खट्टी होती हैं, तो शेक में मार्केट जैसा मीठापन नहीं आता बल्कि शेक में थोड़ा सा खट्टापन आता है। और स्ट्रॉबेरी सिरप का एक और भी फायदा है कि जब आपके पास में फ्रेश स्ट्रॉबेरीज हो तो आप सिरप बना करके स्टोर करके रख लें तो काफी दिन तक इसको आप काम में ले सकते हैं। तो चलिए अब शेक बनाना शुरू करते हैं। तो एक ब्लेंडर में एक कप अच्छा ठंडा दूध लें, यानी दूध को 15-20 मिनट के लिए फ्रिजर में रख दिया था, इसे हम काम में ले रहे हैं, एकदम चिल दूध है। फिर इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से स्ट्रॉबेरी सिरप डालें और एक कप आइस क्यूब्स डालें। आइस क्यूब्स ही शेक में बहुत ही रिच, थिक और क्रीमी टेक्सचर देती हैं। अब इन्हें ब्लेंड कर लें, थोड़ा सा इसको पल्स मोड में चलाएं करीबन 2-3 मिनट के लिए। तो लीजिए परफेक्ट थिक फ्रॉथी क्रीमी स्ट्रॉबेरी शेक तैयार है। इसे आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं और सर्व करते टाइम पर अगर आप ऊपर से थोड़ी सी आइसक्रीम डालना चाहें तो आपकी चॉइस है। तो है ना आसान सा तरीका स्ट्रॉबेरी शेक बनाने का, और वो भी बिना आइसक्रीम के। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगली बार, और तब तक के लिए ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।